महू शहर में प्रशासन ने मास्क नहीं लगाने पर सख्त कार्यवाही की है। कार्यवाही के दौरान मिलिट्री के जवान और डॉक्टरों ने रोब झाड़ने की कोशिश की तो एडीएम ने उन्हें फटकार लगाते हुए मास्क लगाने की हिदायत दी। तहसील में एक बार फिर प्रशासन ने मास्क को लेकर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। बगैर मास्क पहने लोगों के प्रशासन ने 200 रुपए के चालान काटने की कार्यवाही की है। इस दौरान मास्क ना पहनने वालों ने कई तरह के बहाने बनाए, लेकिन प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए सीधे चालान काटने की कार्यवाही की व उन्हें एक मास्क भी दिया। हरिफाटक चौराहा पर बुधवार देर शाम एसडीएम अभिलाष मिश्रा, तहसीलदार धीरेन्द्र पाराशर व कोतवाली पुलिस का बल बगैर मास्क वालों पर स्पॉट फाइन की कार्यवाही करने के लिए पहुंचा। महू से अजित मोनुबाथम की रिपोर्ट। देखिए, आपको बता दूं, कोरोना के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए प्रशासन फिर सड़कों पर उतर चुका है। मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी संख्या में तहसील के कर्मचारी और पुलिस कर्मी जो है यहाँ पे लोगों को मास्क पहनने की सलाह देते आ रहे हैं, और जो मास्क नहीं पहन रहा है उनके चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दूँ, लगातार 3 दिनों से शहर में कोरोना का आंकड़ा बढ़ते नजर आ रहा है। आज की अगर बात करें तो आज कुल 27 केस कोरोना के महू में मिले हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है महू एसडीएम साहब, उनसे जान लेते हैं कि सर किस तरह की कार्रवाई यहाँ शहर में की जा रही है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, कोरोना का संक्रमण वापस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कल शाम कलेक्टर साहब के आदेश आए हैं और मास्क के लिए अवेयरनेस भी करनी है, साथ ही जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं और मास्क पहने बिना बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ़ चालानी कार्रवाई भी करनी है। 200 रुपये प्रति व्यक्ति चालानी कार्रवाई का सर के आदेश हैं, और जो व्यक्ति अगर इसमें आनाकानी कर रहा है और इसमें प्रशासन का साथ नहीं निभा रहा तो उसके खिलाफ सरकारी काम में बाधे का प्रकरण भी दर्ज करने के अधिकार कलेक्टर साहब के आदेश से प्राप्त हुए हैं। तो उसी लिए आज यहाँ 7 रास्ते पे हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रमुख मार्ग है शहर का, और यहाँ से हम जैसे कि अभी देख रहे हैं काफ़ी समय से बहुत सारे लोग बिना मास्क के ट्रेवल कर रहे हैं, और जो कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए काफ़ी खतरनाक स्थिति है। इसीलिए यहाँ लोगों को मास्क भी पहनाए जा रहे हैं, कुछ लोग की चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, और साथ ही रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि लोग के मन में वापस जन चेतना जगे और वो मास्क के प्रति और अवेयर हों। सर, अगर आपकी तरफ से बात करें तो आप महू शहर की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे सर, क्योंकि देखने में आ रहा है कि तमाम जो दुकानदार है उसके साथ बाइक पर जो लोग घूम रहे हैं वो मास्क नहीं पहन रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कठिन समय से हम लोग गुजरे हैं, तो हम सभी उसके साक्षी हैं, तो जो अपने अनुभवों से सीखें सबसे अच्छी बात ये होगी। आप ये देखें, अधिकांश लोग, हम लोग जितने भी डॉक्टर्स हैं जो और जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, बहुत सारे लोग कोरोना में एक्सपोजर में काम करते हैं, लेकिन इनमें से भी बहुत सारे लोग संक्रमित नहीं हुए। उसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि इन्होंने प्रिकॉशन बरता, मास्क का, हाथ धुलने का, सैनिटाइज़र के उपयोग का, सामाजिक दूरी का। तो इससे ये हमें पता चलता है कि यदि हम ये जो बेसिक मिनिमम प्रिकॉशन है इसको लें, ये सबसे बड़ी वैक्सीन है। प्रधानमंत्री जी भी इसके बारे में पहले बोल चुके हैं। तो मेरी यही अपील है कि जो हम 45 के ऊपर हैं जिनको कोमोर्बिडिटी है, और जो 60 के ऊपर हैं वो तत्काल जिनको वैक्सीन लग सकती है वो वैक्सीन लगवाएं, तो जिनका वैक्सीन जब आए उस हिसाब से लगवाएं, लेकिन वैक्सीन लगवाने से पहले भी और बाद में भी जो बेसिक मिनिमम प्रोटोकॉल है हाथ धुलने का, मास्क पहनने का और सामाजिक दूरी बनाने का, उसको ज़रूर फॉलो करें, मेरे आप सबसे अनुरोध है। तो देखिए, आपको बता दूं कि अब फिर से जो है प्रशासन यहाँ पे कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। उसके साथ अब प्रशासन ने ये भी अपील भी करी है कि आप लोग मास्क पहने, वैक्सीन जरूर आ गई, वैक्सीन के साथ आप मास्क का भी उपयोग करेंगे तो आप करोगे तो खतरे दूर होंगे। रेड टीवी भी आपसे यही विनती करता है कि मास्क पहनने के बाद ही आप घर से बाहर निकले, सैनिटाइजर का उपयोग करें और कोरोना से बचें। कैमरा पर्सन अंकित धनोलिया के साथ अंजित मोनुबाथम, रेड टीवी, मऊ।